कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी बनने के बाद दीपक बावरिया के पहली बार भोपाल आने पर प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी की भरे स्टेशन पर कलई खुल गई। कई गुटों में बटे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भोपाल रेलवे स्टेशन पर जमकर धक्का मुक्की हुई। बावरिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। मीडिया से चर्चा में बावरिया ने कहा कि जब तक पार्टी में गुटबाजी नहीं होगी तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। आज जो है मेरा वेलकम हुआ, बड़े जोश से हुआ, बड़ी अच्छी तरह से हुआ। और आप गुटबाजी की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि जहां जहां भी पार्टी मजबूत होती है वहां गुटबाजी भी इतनी ही मजबूत होती है। और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी देखे तो ये गुटबाजी कोई गुटबाजी नहीं है, मगर हमारे मीडिया के साथियों और मित्रों को मेरा अनुरोध है कि हमारे साथ साथ भाजपा की गुटबाजी की भी थोड़ी आप चर्चा करें। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।